परिचय। बच्चों, आज हम जैव अणु के बारे में जानेंगे। टीचर, जैव अणु क्या होते हैं? जैव अणु कार्बनिक अणु है जो एक सजीव जीव द्वारा उत्पन्न किया जाता है। टीचर, हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले अणु जैव अणु हैं? हाँ राम, क्या कोई मुझे जैव अणुओं के कुछ उदाहरण बता सकता है? टीचर, जैव अणु के अनेक उदाहरण हैं, जैसे कि प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स, न्यूक्लिक अम्ल आदि। बहुत अच्छा श्वेता, इस पाठ में आप जंतुओं में पाए जाने वाले जैव अणुओं के बारे में जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: रासायनिक संघटन का विश्लेषण करना, न्यूक्लियोटाइड्स की व्याख्या करना, प्राथमिक व द्वितीयक उपापचयज की चर्चा करना, वृहत जैव अणुओं के बारे में जानना, प्रोटीन की चर्चा करना, पॉलीसेकेराइड्स की चर्चा करना, न्यूक्लियस अम्ल की चर्चा करना, प्रोटीन की संरचना का वर्णन करना। एक बहुलक में एककों को जोड़ने वाले बंधों की प्रकृति की चर्चा करना, शरीर अवयवों की गतिक अवस्था उपापाच्य की संकल्पना की चर्चा करना, जीव के उपापाचीय आधार की व्याख्या करना, जीव अवस्था की व्याख्या करना, एंजाइम का वर्णन करना। रासायनिक संगठन का विश्लेषण कैसे करें? जैव अणु वे अणु हैं जो जीवों के पोषण और उपापाचीय प्रक्रियाओं में शामिल होते हैं। जीवों में उपस्थित अधिकतर रासायनिक यौगिकों में सदैव कार्बन और हाइड्रोजन होता है और इनके कार्बन परमाणु रेखित श्रृंखला, शाखित श्रृंखला या वलीय संरचनाएं बनाने के लिए सहसंयोजक रूप से बंधित होते हैं। कार्बनिक यौगिकों को अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड्स, क्षार, वसा अम्ल आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है। अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल प्रोटीन के रचक खंडों और उपापाच्य में मध्यवर्ती के रूप में कार्य करते हैं। अमीनो अम्ल वे अणु हैं जिनमें अमीनो समूह एक कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, एक हाइड्रोजन और एक अभिलक्षणिक पार्श्व श्रृंखला होती है और सभी एक कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। सबसे सामान्य अमीनो अम्ल अल्फा अमीनो अम्ल है। पार्श्व श्रृंखलाएं या R समूह एक हाइड्रोजन परमाणु से लेकर बड़ी जटिल पार्श्व श्रृंखलाओं तक हो सकते हैं। प्रत्येक अमीनो अम्ल के अद्वितीय भौतिक और रासायनिक गुण R समूह की संरचना और रासायनिक गुणों का परिणाम है। कार्बोक्सिल और अमीनो समूह की संख्या के आधार पर अम्लीय, क्षारीय और उदासीन अमीनो अम्ल होते हैं। ग्लूटामिक अम्ल अम्लीय अमीनो अम्ल है। लाइसिन क्षारीय अमीनो अम्ल है। वेलिन उदासीन अमीनो अम्ल है। लिपिड्स। लिपिड्स कार्बनिक अणु हैं जो जल में अघुलनशील होते हैं। लिपिड्स के तीन उदाहरण उदासीन वसाएं, फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। उदासीन वसाएं तीन वसा अम्ल श्रृंखलाएं निर्जलीकरण संश्लेषण द्वारा एकल ग्लिसरॉल अणु से जुड़ी होती हैं। उदासीन वसा ऊर्जा ईंधन को संचित करती है, शरीर ऊतकों को रोधी बनाती है और अंगों की सुरक्षा करती है। फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स में एक अध्रुवीय वसा अम्ल श्रृंखला भाग तथा एक फॉस्फेट ध्रुवीय भाग होता है।
फॉस्फोलिपिड्स के दोनों स्तर सभी कोशिका झिल्लियों के मुख्य अवयव बनाते हैं। फॉस्फोलिपिड्स अणुओं के दोनों स्तर इस प्रकार स्वतः जुड़ते हैं कि उनके जलरागी शीर्ष झिल्ली की सतह और आंतरिक भाग बनाए तथा जलविरागी पुच्छ एक दूसरे के सामने हों। कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल अणु में चार परस्पर संबंध कार्बन वलय होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल जैसे कि डीएनए और आरएनए के बुनियादी निर्माण खंड हैं। यह एक कार्बनिक यौगिक है जो नाइट्रोजनी क्षार, शर्करा और एक फॉस्फेट समूह का बना होता है। इनमें से कुछ नाइट्रोजन क्षार हैं, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन व यूरेसिल हैं। यदि नाइट्रोजन क्षार शर्करा से जुड़े होते हैं तो वे न्यूक्लियोसाइड कहलाते हैं। एडेनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडिन, यूरिडिन व साइटिडिन न्यूक्लियोसाइड्स हैं। एडिनिलिक अम्ल, थाइमिडिलिक अम्ल, ग्वानिलिक अम्ल, यूरिडिलिक अम्ल और साइटिडिलिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड्स हैं। प्राथमिक तथा द्वितीयक उपापचयज। प्राथमिक उपापचयज वह उपापचयज है जो सामान्य वृद्धि, विकास और जनन में सीधे शामिल होते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के कार्बोनिक यौगिक शामिल होते हैं, उदाहरण सुक्रोज और स्टार्च, सेल्युलोज, डीएनए, आरएनए, वर्णक जैसे कि क्लोरोफिल। द्वितीय उपापचयज विशिष्ट कार्यों में शामिल होते हैं जैसे कि परागणकारी आकर्षण या शाकाहारी से सुरक्षा। इन्हें तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, एल्केलाइड, टर्पिनवाइड्स, फिनोलिक्स। एल्केलाइड नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का एक बड़ा समूह है। टर्पिनवाइड्स एसिटल कोएंजाइम ए या ग्लाइकोलिसिस में मध्यवर्तियों से व्युत्पन्न होते हैं। फिनोलिक यौगिकों को हाइड्रोक्सिल कार्यात्मक समूह वाले एक या अधिक एरोमेटिक वलयों की उपस्थिति द्वारा परिभाषित किया जाता है। वृहित जैव अणु। यौगिक अम्ल घुलनशील भाग में पाए जाते हैं और जिनका अनुभार 18 से लगभग 800 डाल्टन के आसपास होता है। वृहित जैव अणु जो अम्ल विलीय अंश में पाए जाते हैं जैसे प्रोटीन, न्यूक्लियक अम्ल, पॉलीसैकेराइड्स और लिपिड्स। लिपिड्स के अतिरिक्त सभी वृहित जैव अणुओं का अणुभार 10,000 डाल्टन से अधिक होता है। इसका कारण है कि लिपिड्स के अतिरिक्त सभी बहुलक पदार्थ होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड्स के बहुलक हैं। पॉलीसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड्स के सम बहुलक या विषम बहुलक हो सकते हैं। न्यूक्लियक अम्ल। न्यूक्लियक अम्ल न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं। प्रोटीन। प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक हैं। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं जहां अमीनो अम्ल एक रैखिक श्रृंखला के रूप में पेप्टाइड आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। प्रोटीन के कार्य। कोशिका झिल्ली के आर पार पोषक पदार्थों का परिवहन, संक्रमण से लड़ना और हार्मोन एवं एंजाइम के रूप में कार्य करना। प्रोटीन। प्रोटीन पेप्टाइड आबंध द्वारा सहसंयोजक रूप से एक श्रृंखला में जुड़े अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। प्रोटीन प्रतिजनों से शरीर की सुरक्षा करने में शामिल प्रतिरक्षी के रूप में कार्य करते हैं। संकुचनशील प्रोटीन गति के लिए जिम्मेदार होते हैं, उदाहरण के लिए एक्टिन और मायोसिन।
प्रोटीन पेप्टाइड बंधों द्वारा आपस में जुड़े अमीनो अम्लों के बहुलक हैं। अमीनो अम्ल 21 प्रकार के होते हैं जो हर तरह के प्रोटीन बनाते हैं। प्रत्येक अमीनो अम्ल में एक हाइड्रोजन, एक कार्बोक्सिल समूह, एक अमीनो समूह और एक विशिष्ट पार्श्व श्रृंखला या R समूह से बंधित केंद्रीय कार्बन से बनी मौलिक डिजाइन होती है। पॉलीसेकराइड्स। पॉलीसेकराइड्स जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। वे मोनोसेकराइड्स की श्रृंखलाओं के बने होते हैं जो ग्लाइकोसिडिक बंधों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। सेल्युलोज पादप कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। यह प्रति श्रृंखला लगभग 10,000 ग्लूकोज इकाइयों वाला एक अशाखित बहुलक है। काइटिन एन एसिटिल डी ग्लूकोसामीन का एक अशाखित बहुलक है। यह कवकों में पाया जाता है और ऑर्थोपॉड एवं निम्न जंतुओं के बाह्य कंकाल का मुख्य अवयव है, जैसे कीट, केकड़ा और श्रिम्प चिराट के कवच। ग्लाइकोजन शाखन बिंदु प्रदान करने वाले अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बंधों तथा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंधों द्वारा जुड़ी ग्लूकोज इकाइयों का बना एक पॉलीसेकराइड्स है। न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लियोटाइड्स सभी न्यूक्लिक अम्लों के निर्माण खंड हैं। न्यूक्लियोटाइड्स में 3 सहसंयोजक रूप से आपस में जुड़े घटकों की बनी एक स्पष्ट संरचना होती है। नाइट्रोजन युक्त क्षार या एक पिरिमिडिन या प्यूरीन, 5 कार्बन शर्करा राइबोज या डीऑक्सीराइबोज, एक फॉस्फेट समूह। एक क्षार और शर्करा का संयोजन न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। प्रोटीन की संरचना। प्रोटीन पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़ी अमीनो अम्लों की एक या अनेक श्रृंखलाओं की बनी होती है और एक विशिष्ट त्रिमितीय आकार में वलित होती है। अमीनो अम्ल एक हाइड्रोजन, एक कार्बोक्सिल समूह, एक अमीनो समूह और एक विशिष्ट पार्श्व श्रृंखला या R समूह से बंधित केंद्रीय कार्बन का बना होता है। प्रोटीन संरचना के स्तर। प्राथमिक संरचना। प्रोटीन में अमीनो अम्लों का रैखिक व्यवस्थापन और सहसंयोजक अनुबंधों की स्थिति, जैसे कि अमीनो अम्लों के बीच में डाइसल्फाइड बंध। द्वितीयक संरचना। प्रोटीन के भीतर वलन का क्षेत्र, उदाहरण अल्फा हेलिक्स और चुन्नटदार परत सहित, जो हाइड्रोजन बंधन द्वारा स्थायीकृत होते हैं। तृतीयक संरचना। प्रोटीन की अंतिम त्रिविमीय संरचना, जो अमीनो अम्लों के बीच अनेक गैर सहसंयोजक अंतःक्रियाओं का परिणाम है। चतुष्क संरचना। गैर सहसंयोजक अंतःक्रियाएं जो बहु पॉलीपेप्टाइड्स को एकल बड़ी प्रोटीन में बांधता है। 2 अल्फा ग्लोबिन और 2 बीटा ग्लोबिन पॉलीप्रोटीन्स के संयोजन के कारण हीमोग्लोबिन में चतुष्क संरचना होती है। एक बहुलक में एककों को जोड़ने वाले बंधों की प्रकृति। पेप्टाइड बंध। यह बंध तब बनता है जब एक अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिल समूह अगले अमीनो अम्ल के अमीनो समूह के साथ अभिक्रिया के बाद जल अणु निकलते हैं। यह अमीनो अम्लों को एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में जोड़ता है। ग्लाइकोसाइडिक बंध। यह बंध पॉलीसेकराइड्स बनाने के लिए निकटवर्ती मोनोसेकराइड्स के 2 कार्बन परमाणुओं को जोड़ता है। इसमें निर्जलीकरण भी शामिल है। फॉस्फोडाइस्टर बंध।
यह बंध न्यूक्लियक अम्ल बनाने के लिए दो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता है। यह शर्करा के फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल समूहों के बीच बनता है। शरीर अवयवों की गतिक अवस्था, उपापाच्य की संकल्पना। उपापाच्य एक प्रक्रिया है जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं का समूह शामिल है जो भंडारण दूसरी अभिक्रिया के लिए या एक उपोत्पाद के रूप में एक जैव अणु को दूसरे जैव अणु में बदलती है। उपचय, एनाबॉलिक अभिक्रियाओं के उदाहरण, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण, अमीनो अम्लों से प्रोटीन का निर्माण, वसा अम्लों से संचित वसा का निर्माण। जीव का उपापाची आधार। जटिल अणुओं के सरल अणुओं में उपापाची विखंडन से ऊर्जा का मुक्त होना अपचीय अभिक्रिया है। अपचीय अभिक्रियाओं के उदाहरण, ग्लाइकोलिसिस, यह ग्लूकोज के निम्नीकरण द्वारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजन का जल अपघटन ऊर्जा उत्पादन के लिए पेशी कोशिकाओं तथा रुधिर शर्करा के स्तर को बनाए रखने के लिए यकृत कोशिकाओं में होता है। जीव अवस्था। जैविक यंत्र का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सजीव प्रत्येक जैव अणु की सांद्रताओं द्वारा अभिलक्षित एक स्थिर अवस्था में मिलते हैं। रासायनिक या भौतिक प्रक्रियाएं स्वतः सामान्य अवस्था को प्राप्त करती हैं और स्थिर अवस्था एक सामान्य अवस्था होती है। सभी सजीव हमेशा कार्य करते हैं, उनमें कभी भी सामान्य अवस्था की स्थिति नहीं हो सकती। इसलिए जीव अवस्था एक असाम्य स्थायी अवस्था होती है जिससे कार्य संपन्न होते हैं। जीव प्रक्रिया एक लगातार प्रयास है जिसमें साम्यावस्था से बचा जा सके। इसे ऊर्जा इनपुट द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उपापचय से ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए जीव अवस्था और उपापचय एक समान है। बिना उपापचय के जीव अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। एंजाइम। एंजाइम एक पदार्थ है जो सजीवों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। जैव रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एंजाइमों में सभी प्रोटीनों जैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक संरचनाएं भी होती हैं। सक्रिय स्थल पर क्रियाधार व्यवस्थित होते हैं और अभिक्रिया को तेज गति से उत्प्रेरित करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक यौगिकों में दो तरह के परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन का अर्थ है बिना बंध के टूटे आकार में परिवर्तन, और रासायनिक परिवर्तन में बंधों का टूटना शामिल है। भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाओं की दर प्रति इकाई समय में निर्मित उत्पाद की मात्रा के रूप में मापी जा सकती है। अभिक्रिया की दर डेल्टा पी बटे डेल्टा टी। तापमान अभिक्रिया की दर को सीधे प्रभावित करता है। प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम के बढ़ने या घटने पर अभिक्रिया की दर क्रमशः द्विगुणित या आधी हो जाती है। परम तापमान में वृद्धि के कारण औसत गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और देहली ऊर्जा से अधिक ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या भी बढ़ जाती है। इसलिए यह देखा गया है कि अभिक्रिया की दर तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ जाती है। एक एंजाइम केवल एक विशिष्ट रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए माल्टोज शर्करा आपस में जुड़े दो ग्लूकोज अणुओं की बनी होती है। एंजाइम माल्टेज का आकार इस तरह का होता है कि
कि यह बंध को तोड़ सके और दो ग्लूकोज अणुओं को मुक्त कर सके। एंजाइम द्वारा उच्च दर से रासायनिक रूपांतरण कैसे होता है? अभिक्रिया दर में वृद्धि करने की एंजाइम की क्षमता इस तथ्य पर निर्भर करती है कि यह संक्रमण अवस्था को स्थिर करता है। संक्रमण अवस्था में ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा होती है, जिसे अभिकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए अभिकारकों के कुछ बंधों को तोड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है। एंजाइम अपने सक्रिय स्थल को आकार देकर सक्रियण ऊर्जा घटा लेते हैं ताकि यह संक्रमण अवस्था में व्यवस्थित हो सके, चाहे यह क्रियाधार से बेहतर हो। उदाहरण के लिए, कैटालेज का एक अणु प्रति सेकेंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 40 मिलियन अणुओं को तोड़ सकता है। एंजाइम क्रिया की प्रकृति। एंजाइम क्रिया का उत्प्रेरक चक्र। क्रियाधार एंजाइम के सक्रिय स्थल से बंध जाता है। सक्रिय स्थल एंजाइम का विशिष्ट क्षेत्र है जो क्रियाधार के साथ जुड़ता है। एंजाइम क्रियाधार का आकार बदल देते हैं ताकि क्रियाधार अधिक मजबूती से व्यवस्थित हो सके। एंजाइम का सक्रिय स्थल क्रियाधार के बंध तोड़ देता है और नए एंजाइम उत्पाद जटिल का निर्माण होता है। एंजाइम उत्पाद अवमुक्त करता है और एंजाइम दूसरे अणुओं के साथ बंधने के लिए तैयार हो जाता है। एंजाइम क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारक। तापमान और पीएच। एंजाइम की क्रियाशीलता पीएच और तापमान में परिवर्तन द्वारा काफी परिवर्तित होती है। प्रत्येक एंजाइम एक निश्चित पीएच और तापमान पर बेहतर कार्य करता है। इसकी क्रियाशीलता उस बिंदु के ऊपर या नीचे के मानों पर घट जाती है। उदाहरण के लिए, प्रोटीएज पेप्सिन 1-2 तक के पीएच पर बेहतर कार्य करता है। प्रोटीएज ट्रिप्सिन इतने कम पीएच पर निष्क्रिय होता है, लेकिन 8 पीएच पर बहुत सक्रिय हो जाता है। पीएच में परिवर्तन आवेशित अमीनो अम्लों की आयनीकरण अवस्था को बदल देता है, जो क्रियाधार बंधन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। क्रियाधार की सांद्रता। यदि एंजाइम की मात्रा को नियत रखा जाता है और क्रियाधार सांद्रता को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, तो सर्वोच्च गति प्राप्त करने तक अभिक्रिया वेग में वृद्धि होगी। उस बिंदु के बाद क्रियाधार सांद्रता में वृद्धि वेग में वृद्धि नहीं करेगी। सदमक पदार्थ होते हैं जिससे एंजाइम की उत्प्रेरक क्रिया परिवर्तित हो जाती है और फलस्वरूप उत्प्रेरण मंद पड़ जाता है या बंद हो जाता है। प्रतिस्पर्धात्मक संदमन तब होता है जब क्रियाधार और क्रियाधार के समान पदार्थ दोनों को एंजाइम में मिलाया जाता है। एंजाइम का वर्गीकरण व नामकरण। अभिक्रियाओं के प्रकार के आधार पर एंजाइमों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑक्सीडोरीडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेजेज एंजाइम जो एक अणु से दूसरे अणु तक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करते हैं, ऑक्सीडोरीडेज कहलाते हैं। अधिकतर उपापचयी ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन दाता से हाइड्रोजन को हटाना शामिल है, ये एंजाइम डिहाइड्रोजिनेजेज कहलाते हैं। ट्रांसफरेजेज, ये वे एंजाइम हैं जो एक समूह के स्थानांतरण में शामिल होते हैं। हाइड्रोलेजेज, एक एंजाइम जो जल अपघटन की प्रक्रिया की गति बढ़ा देता है।
लाइजेज ये वे एंजाइम हैं जो जल अपघटन या ऑक्सीकरण के अतिरिक्त विधि द्वारा सीसी सीओ और अन्य बंधों के विदलन को उत्प्रेरित करते हैं। आइसोमरेजेज ये एंजाइम समावयवों के संरचनात्मक पुनर्व्यवस्था को उत्प्रेरित करते हैं, उदाहरण के लिए फ्यूमरेज। लाइगेजेज ये एंजाइम नए बंध बनाकर दो अणुओं को जोड़ते हैं, उदाहरण के लिए सिट्रिक अम्ल। सहकारक सहकारकों को उन अणुओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एंजाइमी अभिक्रियाओं के दौरान एंजाइम से कसकर बंधे होते हैं और अभिक्रिया में एक रूप से दूसरे रूप में बदल दिए जाते हैं। तीन प्रकार के सहकारक हैं प्रोस्थेटिक समूह, सह एंजाइम और धातु आयन। प्रोस्थेटिक समूह दृढ़ता से बंधी गैर पॉलीपेप्टाइड संरचना जो एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है, उदाहरण के लिए हीमोग्लोबिन का हीम। सह एंजाइम ये कार्बनिक सहकारक हैं जैसे कि निकोटिनामाइड, एडेनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड एनएडी और क्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड FMN जो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं में शामिल होते हैं। धातु आयन ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं और एंजाइमों में आवेश संकुलों को स्थिर करते हैं। क्या आप जानते हैं डरावनी फिल्में देखने से उपापचय दर में वृद्धि हो सकती है? दालचीनी एक मसाला है जो आपकी उपापचयी दर में वृद्धि कर सकता है। यदि आप भोजन करना छोड़ देते हैं तो आपकी उपापचयी दर धीमी हो सकती है। सारांश आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। जैव अणु वे अणु हैं जो जीवों के पोषण और उपापचयी प्रक्रियाओं में शामिल होते हैं। अमीनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण खंड और उपापचय में मध्यवर्ती के रूप में कार्य करते हैं। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल के बुनियादी निर्माण खंड हैं जैसे कि डीएनए और आरएनए। पॉलीसेकराइड्स मोनोसेकराइड्स के बहुलक हैं। न्यूक्लियक अम्ल न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक हैं। प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक हैं। प्रोटीन के चार स्तर प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक चतुष्क संरचना हैं। उपापाच्य एक प्रक्रिया है जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं का समूह शामिल है जो भंडारण दूसरी अभिक्रिया के लिए या एक उपोत्पाद के रूप में एक जैव अणु को दूसरे जैव अणु में बदलती है। लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। अभिक्रिया दर में वृद्धि करने की एंजाइम की क्षमता इस तथ्य पर निर्भर करती है कि यह संक्रमण अवस्था को स्थिर करता है। सहकारकों को उन अणुओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एंजाइमी अभिक्रियाओं के दौरान एंजाइम से कसकर बंधे होते हैं और अभिक्रिया में एक रूप से दूसरे रूप में बदल दिए जाते हैं।